तो हम हैं नीमा भाई और आज हम जा रहे हैं जापानी रेस्टोरेंट, उसका नाम है कोकू और वहाँ पर हम जा रहे हैं रामेन खाने। देखिए चल के देखते हैं। नारुतो में हमने इतनी बार देखा और बहुत ही टेस्टी लगता था, तो हम मैगी खा खा के बोर हो चुके हैं। अब हमें लगता है कि हमें कुछ रियल ट्राई करना चाहिए और देखते हैं जाके पता चलेगा कि हमें कैसा लगता है वो, और बताते हैं मैगी ऑलवेज। यहाँ पर आके ना मैं तो ऐसा लग रहा है कि हिंदी होती क्या है, इंग्लिश और जापनीज यहीं पे बात चल रही है। और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर इंडियन सिर्फ हम दोनों ही हैं, सिर्फ जापनीज लोग ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। बाकी भाई एनवायरमेंट तो मज़ा आ रहा है। और अभी हमने अपना ऑर्डर कर दिया है, अभी हमने एक मंगाया है मिसो रामेन एंड दूसरा मंगाया है स्पाइसी मिसो रामेन। और यहाँ पर ना बनाने वाले जो बना रहे हैं वो भी जापनीज में बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कि आप आते तो वेलकम भी आपका जापनीज में होता है, एंड उसके बाद जो आ रहे हैं वो तो लोग भाई जापनीज ही है, मुझे बस हमें इंडियन दिख रहे हैं यहाँ पर। और मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार ट्राई कर लें, पहली बार मैं चॉपस्टिक साथ में ले रहा हूँ। मतलब बीच में अरे वो देख यहाँ पर उठा के देगी चम्मच दे देगी और हमसे खाएगी। हाँ तो आते हैं मिसो रामेन सूप पीने के लिए, कहता है मांग लेंगे बाकी। ये उठा के देख बैठ तू तो मुझे एक्सपर्ट सा लग रहा है। तू तो एक्सपर्ट सा लग रहा है मुझे। हाँ वही मुझे भी देर लग गई थी। सी गाइस दिस इज कुरामा। Naruto fans will admit this. कैसा लग रहा है? स्ट्रगल चल रही है तो कहते हैं एक बार खा के दिखाइए ऑडियंस को एनीमे भाई की। सो हाउ इज द टेस्ट? इट्स नाइस, अच्छा है।
रामेन ख़त्म कर लिया है और यहाँ पर जैसा कि आप तो साथ नहीं खा रहे और अब मैं आपको बताऊँगा ये मैंने मंगाई है माचा ग्रीन टी कोल्ड तो मैं ठीक बताता हूँ आपको कैसा टेस्ट है इसका मतलब आपको कहते हैं जो टी का टेस्ट होता है वो तो आ रहा है पर ये मीठी बिल्कुल नहीं है तो और अब तुषार बताएगा उसका कैसा और मैंने मंगवाई है कोका कोला नॉर्मल मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है हमेशा की तरह बेहतरीन तो अगर आप ज़्यादा मीठी चाय पीने का शौकीन है तो ये मत मंगवाना यहाँ पर आ गए और बाकी तो हम आपको डिटेल में बताएंगे आ गए अगर किसी को सीखना होगी कैसे खाते हैं चॉपस्टिक से तो मैं बता दूं कि मैंने उसमें महारत हासिल कर ली है पहली बारी में ही तो ऐसे खाते हैं आप चॉपस्टिक से रामेन बहुत ही आसान है कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है फिर चलता रहता और ऐसे आप नूडल्स खा सकते हैं रामेन के आप भी आइएगा और खा के देखिएगा चलिए तो हमारा रामेन हमने खा लिया है और अब हम बस यहाँ से थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं हमने हमारा बिल भी आ गया बिल हमारा है 1965 रुपीस का जो कि काफ़ी सही था मतलब अराउंड 700 रुपीस का एक रामेन था तो दो रामेन हमने लिए साथ में दो ड्रिंक्स ली ऋतिक ने ली थी माचा टी माचा ग्रीन टी और मैंने नॉर्मल कोक ली थी तो इन सबको मिला के इतना हमारा 1965 बिल आ गया और मुझे लगा था कि बहुत सारा आने वाला है बट ठीक है इट्स फाइन एंड बाकी बस हमें तो काफ़ी मज़ा आया अभी अब बताते हैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताएं जो तो खा लिया हमने फाइनली मैं तो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था नारुतो की पूरी सीरीज़ में मैंने बहुत क्या बोलते मेरे मुंह पानी आता था उसे देखते तो हम गए सबसे पहले रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस देते हैं आपको रेस्टोरेंट के जैसे हम क्या बोलते हैं अंदर घुसे तो अंदर घुसती एक अलग एक्सपीरियंस था पूरा अंदर घुसती हमें जो उन्होंने वेलकम किया वो भी जापनीज़ में किया और मतलब हम दोनों तो कुछ बोल ही नहीं पाए हम दोनों शांत हो गए वैसे तो बहुत भी बनते हैं हम जब भी जापनीज़ के निकलते रहते हैं लेकिन जब असलियत में सामने आया था हम बहुत स्टंट रह गए हम कुछ बोल ही नहीं पाए फिर हमने इंग्लिश में बात करी और वहाँ पे जो काम करने वाले थे और जो आ रहे थे वहाँ पर कस्टमर्स वगैरह वो मोस्टली जापनीज ही थे मतलब शायद हम ही थे वहाँ पर जो मैंने हमने देखा जो इंडियंस थे बिल्कुल तो फिर हमने वहाँ पर जाके बोला कि हमें जहाँ पे आपने देख लिया होगा कि हम कैसे बैठे थे जहाँ जापनीज का बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप का होता है तो पहले हमें चेयर्स वगैरह कह रहे थे कि यहाँ पर बैठ जाओ मैंने कहा नहीं वहाँ बैठना हमें बिल्कुल ट्रेडिशनल लेना था फील फिर उन्होंने कहा कि ठीक है 2 मिनट रुको करते हैं फिर उन्होंने किया और देखो मजा आ गया क्या बोलते हैं मतलब स्वाद ही आ गए तो और क्या बोलते हैं रामेन के नूडल्स में कहना चाहूँगा जैसा आपने देखा होगा कि वो उसकी कितनी तारीफ की जाती है पूरा उन्हें परफेक्शन से बना जाता है कि कहते हैं कि पूरा थिक होना चाहिए पूरी एक ऐसी बारीकी वो सच में बिल्कुल डिट्टो सेम थी और मतलब आपको ना रामेन में देखो रामेन का अगर टेस्ट ही मैं बताऊँ तो टेस्ट उसका सही था मैं अगर दोबारा कभी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर खाऊंगा बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं था लेकिन अच्छा था मतलब ये नहीं कि हम उसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहेंगे पर हाँ खा लेंगे क्या बोलता है टेस्ट अच्छा था उसका सूप और नूडल्स तो अच्छे थे ये दोनों चीज़ से ज़्यादा और बाकी भाई पेट तो उसने ऐसा भर दिया कसम से क्या बोलता है मतलब अगर आप एक क्या बोलता है रामेन लेंगे एक पर्सन के लिए तो वो उसके लिए फुलफिल है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अलावा शायद कुछ और लेंगे और हमारा कहते हैं जो बिल आया था वो भी बहुत अच्छा आ गया था क्या बोलता है मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी कम ही था हम तो पर पर्सन लेके गए थे कि 2 से 3 हज़ार रुपये लग जाएंगे पर पर्सन 1000 रुपीज़ ही लगे थे और हम ये देख के शॉक हो गए कि चलो अच्छी बात है उसमें जो पर पर्सन 1000 रुपीज़ है उसमें हमारा एक तो रामेन आ गया था और एक हमारी कहते हैं ड्रिंक्स आ गई थी मेरी नॉर्मल कोका कोला थी और मैंने टेस्ट करने के लिए जैपनीज वो मंगाई थी जैपनीज माचा ग्रीन टी कोल्ड वाली तो फिर वहाँ पे ना मतलब अगर तुमने कभी एनिमे के अलावा जापनी सीरीज़ देखी हो ना लाइव एक्शन सीरीज़ तो उसमें ना ये चीज़ काफ़ी दिखाई जाती है मतलब लोग जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं मैंने देखी है ज़्यादा नहीं 2-3 देखी है तो वहाँ पर लोग बैठते और सेम फीलिंग थी भाई मतलब मुझे तो ऐसा लग गया कि मज़ा आ गया कसम से और रामेन से ज़्यादा ना वहाँ की वाइब अच्छी थी रामेन तो थी वैसे वाइब बहुत अच्छी थी और मैं एक और चीज़ कहते हैं वहाँ पे जाहिर करना चाहूँगा उस बारे में चॉपस्टिक्स तो
हमने पहली बारी में चॉपस्टिक से इतना अच्छे से इस्तेमाल किया उनका कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था देख के। हाँ क्या था जो तुमने देख लिया होगा बहुत ज़्यादा। और बाकी हम ना मतलब हम चाहते थे वीडियो में एक पार्ट ऐड करें कि रामेन जो बना रहे थे ना मतलब जो उन्होंने बनाया होगा रामेन तो हम उसे शूट करना चाहते थे। हमने उनसे बोला कि हमें शूट करने तो उन्होंने मना कर दिया। बाकी फिर उन्होंने निकलते हुए कहा कि मैं कि आप सुशी को सुशी बनाते हुए हमें शूट कर सकते हो। मैंने कहा फिर अभी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी सुशी का कोई ऑर्डर नहीं है और हमारे पेट में इतनी जगह नहीं थी कि हम दोबारा ऑर्डर कर सकें। बिल्कुल। तो फिर हमने उनसे कहते कि जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर करेंगे। एक्सपीरियंस के लिए वो जो दूरी होगी वो पूरी बर्फिट होगी जहाँ पे जाना पूरा जैसे भी आप जब भी जा रहे हो समर में विंटर में तो मजा आ गया था कुल मिला के। और जरूर हो के आना आप भी एक बार। बाकी तो क्या बोलते हैं वीडियो कैसी लगी बताना हमें कमेंट सेक्शन में। कोई भी दिक्कत हो वीडियो में कोई भी आपको चीज़ ना पसंद आई बता देना हम उसे अगली वीडियो ठीक करने की कोशिश करेंगे। और बाकी तो आपको बताइए क्या क्या करना है आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना ठीक है। तो तब तक के लिए साइन और दाते भाइयों।